वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हो और मैं नहाकर आ गई हूँ, तो मैं सोची कि चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ अभी से ही। तो बस यहाँ पर अभी मैं नहाकर आई हूँ, तो मैं रेडी हो जाती हूँ, इसके बाद चलेंगे पूजा करने के लिए। तो अभी आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए, तो पहले मैं मंदिर को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, फिर भगवान जी को नहला दूँगी और फिर मैं आरती वगैरह कर लूँगी। तो चलो पहले मैं आरती वगैरह कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही ना कि पूछो ही मत। और ना मैंने सुबह से दूध वगैरह कुछ भी नहीं पिया, और आज मैंने दूध भी नहीं पिया, छाछ भी नहीं पिया, जूस भी नहीं, कुछ भी नहीं पिया, तो मुझे लगने लगी ये भूख। तो आज मैंने बनाया हुआ है पोहा, तो चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, इसके बाद बाकी के काम तो होते रहेंगे। तो चलो पहले पोहा निकाल के कर लेते हैं नाश्ता। और आज मैं अकेले नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि हनी तो अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए, कुछ उनका ऑफिस का काम था तो फिर वो जल्दी निकल गए, तो उन्होंने जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैंने नहीं किया हुआ था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ना फिर मुझसे कुछ खाते नहीं बनता है ना, इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं काम वगैरह सब निपटा लूँगी, इसके बाद आराम से खाऊंगी। तो आज मैंने बेडशीट वगैरह सब कुशन कवर वगैरह सब कुछ धुला हुआ है, तो बस अब मेरे सारे काम वगैरह हो गए, तो मैं सोची चलो अभी लगे हाथ ना बेडशीट भी डाल देती हूँ, नहीं तो फिर पूरा दिन पड़ी रहेगी, अभी कर लूँगी तभी कर लूँगी करके फिर मैं शाम तक डली रहने दूँगी। तो ये था कि चलो मैं अभी डाल ही देती हूँ, फ्री थी तो बस यहाँ पर भी मैं बेडशीट लगा देती हूँ। और ये वाली बेडशीट और येलो वाली जो बेडशीट मैंने अभी जो धुली हुई है ना, वो आगे आप लोगों को दिख जाएगी। तो अभी मैं ना डेली के लिए मैं ये दोनों ही बेडशीट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमेशा जब फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं ना, तो फिर क्या होता है ना कि फिर नई बेडशीट लो फिर वो करो, तो इससे अच्छा मेरे पास अभी 3 बेडशीट रखी हुई, तो कोई फेस्टिवल वगैरह आती तब मैं वो वाली डाल देती हूँ, नहीं तो फिर तो मैं ये दोनों ही डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ। वैसे भी मैं 5-5-6 दिन में धुल देती हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं होती। और इसके बाद मैंने कपड़े वगैरह जो धुले थे उनको डालने के लिए आ गई हूँ, तो यही वाली जो बेडशीट मैं डाल रही हूँ ना, मैं इसी वाली बेडशीट की बात कर रही थी। तो बस अभी यहाँ पे ना तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना कि कपड़े उड़े जा रहे थे, तो फिर मैंने ना इसलिए सो मैं बाहर वाली गैलरी में कपड़े नहीं डाली हूँ, मैं आज इसलिए ना अंदर वाली गैलरी में ही सारे के सारे कपड़े डाल रही हूँ। और वैसे भी ना मैंने चादर वगैरह धुले थे और जो डेली रूटीन के घर के कपड़े थे वही धुले थे मैंने, तो फिर मैं सोचा कि चलो यहीं पर आ जाएंगे तो बाहर नहीं डालती। और बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि मतलब ये क्लिप मिलिप सब गिर जाएंगे और पता नहीं चादर कहाँ जाके मिलेगा, तो मैंने सोचा चलो अंदर वाली गैलरी में डाल देती हूँ। बाहर कपड़े सूखने के लिए, कपड़े सूख रहे और मैं है ना रख के गई थी जीरा भुनने के लिए, तो मेरा जीरा भी भुन गया है, तो बस थोड़ा थोड़ा सा और इसको भुनूंगी क्योंकि मेरा जीरा पाउडर जो है ना वो खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको भी बना लेती हूँ, तो लगे हाथ ये काम भी हो जाएगा। और अभी इतना जीरा दिख रहा है ना, बस घर में इतना ही जीरा है, और अभी जाऊंगी मार्केट तो फिर लेकर आ जाऊंगी जीरे का पैकेट क्योंकि राशन में मैं जीरा नहीं लेकर। बाहर का वेदर भी दिखा देती हूँ, बड़ा अच्छा वेदर हो रखा है क्योंकि कल शाम में ना थोड़ा सा पानी गिर गया था, तो वेदर बड़ा अच्छा हो गया। और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना अभी के पूछो ही मत, बहुत अच्छी चल रही है हवा। और अभी ना मतलब फैन वगैरह नहीं भी चालू करो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बाहर से सारे गेट वगैरह खोल दो ना, वैसे भी हमारा पूरा जो घर है ना वो पूरा ओपन ही है, तो हम थोड़ा सा भी गेट खोल देते ना तो पूरी हवा हवा आने लग जाती है। और यहाँ पे जीरा भुन गया, तो अभी इसको थोड़ी देर में रख देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसके बाद इसको पीस के रखेंगे। तो चलो अभी ना मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि काम बचा हुआ है, तो पहले यहाँ पे मैंने रखे हुए आम, तो पहले मैंने आम को अच्छे से पहले साफ करके रख लेती हूँ, इसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं आम। तो अभी यहाँ पर मैं ना आम लेकर बैठी हुई, तो अभी मैं आम को कट करने वाली हूँ। तो इससे पहले ना मैं आम थोड़े थोड़े से मुझे लग रहा था पानी, तो मैं इनको अच्छे से कपड़े से साफ कर लेती हूँ मलमल के, और इनको थोड़ा सा ठंडे हैं अभी, थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे। थोड़ा सा कपड़ा भी मैंने इसके ऊपर रख दिया, और अभी मैं इनको ना पतले पतले से शेप में कट कर लेती हूँ। तो मैं इनका बनाने वाली हूँ स्टन वाला अचार, क्योंकि आम ना मेरे पास आई थिंक 1 किलो के समथिंग रखे हुए थे, और ये ना थोड़े थोड़े से पक भी रहे थे और थोड़े से कच्चे भी थे, तो मैंने सोचा कि लाओ अभी ना अचार डाल लेती हूँ। और इंस्टेंट वाला अचार डालूंगी ना तो बहुत खट्टा मीठा सा टेस्ट भी आएगा, और इंस्टेंट वाला अचार है ना तो ऐसा है कि चलो 1-1.5 महीने में खत्म भी हो जाएगा। आधे पके हुए हो और आधे कच्चे हुए हैं मेरे पास, तो बहुत सारे रखे हुए थे 1 किलो के समथिंग, तो मैं सोचे इतने सारे का क्या करूंगी, तो इंस्टेंट वाला अचार ही बना लेती हूँ, तो थोड़ा सा खाने को भी हो जाए क्योंकि अभी हमारा अचार जो था ना वो खत्म भी हो गया, तो मैं सोचे कि अभी ये खराब हो जाएंगे ज्यादा दिन रखे रहेंगे, तो इससे अच्छा ये है ना कि अचार बना लेते और खाने में, और ये खट्टे मीठे आम का अचार बनेगा ना तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और अभी ये ना मैं रखी देगी तो ये ठंडा भी हो गया है,
तो इसको डालकर मुझे पीसना है, तो मैं इसको पीस भी लेती हूँ। मैं सामान मंगवा लिया होता अचार बनाने का, कल ही मैंने हनी से मंगवा लिया था। ये पुष्प का अचार अचार बनाने के लिए मसाला मंगवाया हुआ है, तो ये हो गया मसाला। और ये मस्टर्ड सीड मंगवाया मैंने, क्योंकि अचार मतलब जब भी बनाओ तो मस्टर्ड सीड का यूज करते हैं, मम्मी लोग हमेशा ये यूज करती, तो वही देखा हुआ है हमेशा से, तो वही। और ही मेरे पास ऑलरेडी था, इसकी मुझे धुनी देनी रहेगी। और ये मेरे कटे हुए आम है, तो चलो अचार बनाने की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने कढ़ाई को रख दिया है गरम होने के लिए, और कढ़ाई जब अच्छे से गरम हो गई ना, तो उसमें मैंने डाल दिया हुआ है मस्टर्ड सीड। और मस्टर्ड सीड को मैं ना इतना गरम करूँगी कि इसमें से धुआं निकलने लग जाए। तो अभी आपको दिखाती हूँ, देखो इसमें से धुआं निकलने लग गया। और अभी मैंने इसको गैस बंद कर दी हुई, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा ना, तब मैं इसमें डाल दूँगी अचार का मसाला, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और अचार का मसाला तभी डालना जब ऑयल ना थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म होनी, तो मसाला जल जाएगा। और अब मैंने इसको अच्छे से भून लिया हुआ है, जब मसाला से भुन जाएगा ना, इसके बाद मैंने जो कटे हुए आम रखे थे ना, इसको मैंने डाल दिया हुआ है। और इंस्टेंट अचार बनाने के लिए तो ये प्रोसेस सबसे सिंपल है और सबसे इजी है। मुझे हमेशा से ना जब नया वाला अचार खाना का मन करता है तो मैं ऐसे बना लेती हूँ, क्योंकि ये सबसे इजी है। इसमें कोई तामझाम नहीं करना पड़ता, पहले आम को एक दिन काट के रखो, सुखाओ धूप में, ऐसा कुछ भी करने की नीड नहीं होती है, तो सब जल्दी से बन भी जाता है इंस्टेंट वाला अचार। और अभी ना मैं बर्नियाँ ढूंढ रही हूँ, तो मैं वही देख रही हूँ किस में डालूँ। तो एक बड़ा डिब्बा मुझे यही दिख रहा था प्लास्टिक का, तो मैं सोची चलो इसी में डाल के बना लेती हूँ, फिर जब बन जाएगा ना अचार तो फिर छोटी छोटी सी बर्नियों में शिफ्ट कर दूंगी। और वैसे भी ना मेरे पास कोई बड़ी बर्निया कांच की नहीं है, ये डाबर की जिसमें हनी आता है ना, बस वही वाली बर्निया है, तो बस मैं उसी में बाद में शिफ्ट कर लूंगी। और अभी मैं कर रही हूँ धुनी के लिए तैयारी। तो यहाँ पे ना मैंने कटोरी में डाल दिया हुआ हींग, और हींग जब अच्छे से मतलब धुआं निकलने लग गया ना हींग से, तो फिर इसमें मैंने ना इसको बंद कर दिया। और अब मैं इसके ऊपर ये जो डिब्बा रखा था ना, इसको पलट के रख दूंगी, ताकि इसका जो भी धुआं है ना पूरे डिब्बे में हो जाए, और फिर ना उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और अचार ज़्यादा दिन के लिए बना रही हूँ तो फिर ख़राब भी नहीं होगा, तो अभी हमको अचार चल जाए, क्योंकि इंस्टेंट वाला अचार है ना, तो फिर ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, इसलिए। तो अभी यहाँ पर ना अचार भी ठंडा हो रहा है और मैंने धुनी भी दे दी हुई। अचार जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा ना, इसके बाद ही मैं इसको डालूंगी डिब्बे में, तो बस अभी मैं इसको डिब्बे में भी शिफ्ट कर देती हूँ। तो थोड़े दिन हमको अचार चल भी जाएगा, और फिर मैं इसको कांच के बर्नी में शिफ्ट कर दूंगी, तो लॉन्ग टाइम हमारा अचार चल जाएगा। इंस्टेंट वाला अचार है ना, इसलिए। तो मेरा अचार बन के हो चुका है रेडी, मतलब अभी कम्प्लीट नहीं हुआ, खाने लायक नहीं हुआ है, खाना चाहे तो खा भी सकते, थोड़ा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट वाला जो है ना फ्लेवर वो आने लगेगा, बट अभी थोड़ा सा मसाला एक दूसरे में और आम एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना, तब खाने लायक हो जाएगा। तो और मैंने ना ये प्लास्टिक का मेरे पास था बड़ा डिब्बा, तो मैंने इसी में डाल दी, क्योंकि और मेरे पास कांच की कोई बर्नी नहीं थी, और एक बर्नी है मेरे पास, सिर्फ मेरे पास एक ही बर्नी है कांच की, उसमें भी ना प्रोटीन शेक रखा हुआ है, तो फिर मैं उसमें नहीं डाली। और वैसे भी छोटी थी तो इतना आता नहीं ना, और छोटी छोटी तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने दिखाई ना आप लोगों को, देखो ये इतनी छोटी छोटी थी, उसमें फिर क्या डालती मैं सोची कि चलो इसमें डाल लेती, जब अच्छे से हो जाएगा तो फिर उसमें शिफ्ट कर दूंगी, और मन करेगा तो फिर एक कांच की बर्नी ले आऊंगी। तो चलो अभी इसको रख देते हैं, ये एक दिन में दो दिन में बन जाएगा, फिर इसको बताऊंगी कैसा टेस्ट है, कैसा लगा, क्या लगा, वो सब चीजें आपको बताऊंगी। तो अभी लगने लगी है भूख, तो चलो अभी खाना भी बना लेते हैं। तो मैंने सब्जी तो बना के रख ली हुई है, मैंने छोले बनाए, तो छोले तो मैंने सुबह में बना के रख दिए हुए, तो अभी मैं बना रही हूँ भटूरे। और हनी के लिए मैंने बनाए थे सिंपल वाले पराठे, क्योंकि उनको भटूरा नहीं खाना था, तो फिर बोले मुझे पराठे बना दो, तो मैंने उनके लिए बना दिए पराठे। और अभी मैंने इंस्टेंट वाला अचार बना रही थी थोड़ा सा, इसलिए उसमें टाइम लग गया, नहीं तो मैं जल्दी बना लेती खाना तो, बट ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। तो अभी मुझे ना और हनी के दोनों को बहुत तेज भूख लगने लगी, तो सोचे चलो फटाफट से बना लेते हो फिर खा लेते। और आज मैंने ना जो भटूरे बनाए है ना, उसमें मैंने मतलब मैदे के नहीं बनाए हैं प्रॉपर तरीके से, उसमें थोड़ा सा मैदा डाला है, थोड़ा सा आटा भी डाला हुआ है, और थोड़ी सी सूजी डाली हुई है। और थोड़ी देर मैंने ना इसको अचार बना रही, जितनी देर ना मैंने इसको रख दिया था, तो डो भी काफ़ी अच्छा हो गया था। तो देखो भटूरे कितने ज़्यादा फूले फूले बन रहे हैं, और इसमें ना धनिया पत्ती नहीं थी, और धनिया पत्ती डाल देती ना तो और ज़्यादा अच्छे भी लगते और टेस्ट भी आ जाता ना, तो और ज़्यादा अच्छे लगते। बट कोई बात नहीं, जैसे भी बने जो भी बने बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब भटूरे फूल रहे थे, तो बहुत मज़ा भी आ रहा था कि वाह यार भटूरे फूल रहे, जब पूरी भटूरे से फूलते रहा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब नहीं फूलते रहा तो फिर पूरा का पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है यार, इतनी मेहनत से बनाओ पर फूलते नहीं, पर फूले हुए कि यू ना टेस्ट अलग हो जाता है, और जब बिना नहीं फूले रहते थोड़ा उसका टेस्ट अलग रहता है।
तो चलिए अभी कर लेते हैं प्लेटिंग। और यहाँ पर ना मैंने जो अचार डाला हुआ था ना उसको भी मैंने निकाल लिया हुआ, और मैंने बनाए थे छोले, तो ये रहे मेरे छोले। प्याज वगैरह नींबू वगैरह सब कुछ रख लिया हुआ है मैंने। तो चलो अभी छोला भटूरा खा लेते हैं, और अभी इस वाले वीडियो को करते यहीं पर एंड। और अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। अगर इंस्टेंट अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।